ऑल राइट गाइस, तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं और आज है टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल जाने वाला हूँ, जिसके लिए 6:30 बजे घर से निकलने वाला हूँ और इसके बाद कोचिंग भी जाने वाला हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होने वाला है। इससे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स एंड माय यूडो फैमिली। तो चलिए रेडी होते हैं, लेट्स गेट रेडी। तो भाई साथ में मैं बैकपैक भी कैरी करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ एक वाटर बोतल होने वाला है, जिसको मैं इसमें रैप करके ले जाऊंगा ताकि ये जो इसका वाटर है बैग को बाहर से भगा ना पाए। अरे तो अभी ही भीग जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं सनराइज भी हो चुका है। तो अभी गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने घर से बाहर और मुझे जाना है स्कूल एज अ टीचर, और ये है मेरा टीचर का आईडी। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, खैर मैं इन्हीं रास्ता पे अभी चल रहा हूँ, तो जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर आगे बताता हूँ। Thank you.
हुई है आदरणीय मास्टर जी, एक गांव का मंगू नाम का एक लड़का चिट्ठी लिखा है, आपका पुराना छात्र, शायद आपको मेरा नाम भी इस समय याद न होगा, रोज पढ़ाइए, बस इतना ही नहीं, मेरे जैसे मजदूर की बेटी पढ़ लिखकर आगे बढ़े, गुरु जी आपका प्यारा छात्र मंगू। बच्चों एक कहानी का मतलब है कि गुरु का कर्तव्य का बोध कराया जा रहा था, मंगू बेचारा मजदूर का बेटा मजदूरे रह गया, गुरु अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे सारे अभिभावक, बच्चे, शिक्षक कर्तव्य के भागी बने। शिक्षक बंधु अपने कर्तव्य से विमुख न हो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको तहे दिल से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैं भी यहाँ पर क्लैपिंग करने लगा था, सो कैमरा नीचे रख दिया था। तो हेड सर ये लेटर स्पेशली हम सब टीचर्स के लिए डेडिकेट किए थे, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन मुझे इस स्कूल में एक टीचर का मौका मिला है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ भी रहा हूँ, तो आज मैं थोड़ा बताने वाला हूँ कि रीडिंग से क्या आप लोग कर सकते हैं। रीडिंग एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा स्किल है जिससे आप दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति बन सकते हैं सिर्फ रीडिंग करके। आज आपने इलोन मस्क का नाम सुना है, उनको ने सिर्फ रीडिंग करके, स्पेसएक्स कंपनी है, रॉकेट साइंस की कोई भी उन्होंने डिग्री नहीं ली है, ना ही स्कूल गए हैं, ना ही कॉलेज गए हैं, सिर्फ उन्होंने रॉकेट साइंस की बुक पढ़ी है, सिर्फ बुक पढ़ के आज वो स्पेसएक्स कंपनी बनाया है, जो काफी ज्यादा फेमस है और इसी वजह से वो जाने जाते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, रीडिंग स्किल से आप काफी चीजें कर सकते हैं। और इलोन मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में टॉप वन पर है, और किसके दम पे है, सिर्फ रीडिंग स्किल से। समझ में आया आप लोगों को, रीडिंग स्किल में एक ऐसा पावर है जो आपको हर से लेकर आप तक पहुंचा सकता है। तो थैंक यू। और ये छोटा सा स्पीच मेरे तरफ से था अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी बुक रीडिंग करने में मन लगाएं, बुक रीडिंग के प्रति जागरूक हो सके। माता पिता के बाद गुरु ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। गुरु सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, और एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, और जो बच्चा अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है उन्हें तरक्की करने से कोई नहीं रोकता है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मैं तो स्पीच सब होने के बाद नाश्ता ये सब हुआ, और फिर जूनियर स्टूडेंट्स के बीच ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, जिसमें डॉक्टर सर पल्ले राधाकृष्णन जी का चित्र बनाना था, एंड सीनियर स्टूडेंट्स के बीच इससे राइटिंग कंपटीशन कराया गया, जिसमें डॉक्टर सर पल्ले राधाकृष्णन जी पर इससे लिखना था, जिसका राइटिंग्स बेटर है, जिसने ज़्यादा लाइन्स लिखे हैं वो इस कंपटीशन के विनर होंगे। खैर मुझे ड्राइंग कंपटीशन के लिए कमान सौंपी गई थी, उसी का देख रेख करना था। डांट कर, छटकार कर, गुरु जो होता है
आपसे भूल हो जाती है या सावधानी हटी तो घटना घटी। आपने घर में स्कूल में असावधान रहने को बहुत सारे चीजें बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सभी टीचर्स बारी बारी से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्टूडेंट्स लोगों को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश किए, मैं भी किया और फिर बच जाता है 12। तो एक एक करके सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स घर के लिए प्रस्थान करते हैं। स्माइल करो सर, आज टीचर डे कैसा लगा? सेलिब्रेशन अच्छा हुआ? टीचर डे में आज सेलिब्रेशन कैसा लगा? अच्छा लगा सबको? चलो सब अच्छा से जाएगा। क्या हुआ? क्या 6 तारीख है आज? ठीक है ठीक है। अरे चुप चुप हल्ले, अरे हल्ले चुप चुप। क्या हुआ क्या हुआ? अरे हुआ क्या, क्या हुआ? अच्छा ठीक है। तो ये क्या हुआ शायद समझ में ना आया हो। तो ये जो फोटो वीडियो देख रहे हैं ये 5 सितंबर का नहीं है, 6 सितंबर का है। ये ड्राइंग कंपटीशन का क्वेश्चन था जिसको मैं 5 सितंबर को वीडियो में नहीं ले पाया था, तो सोचा लंच टाइम चल रहा है बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ। क्वेश्चन तो लिख लिया लेकिन जैसे ही डेट चेंज किया 6 सितंबर से 5 सितंबर, तो समझ ही सकते हैं। स्टूडेंट लोग मनाया, साफ सफाई सर को करना पड़ रहा है क्या? सर साफ सफाई आप लोग को करना पड़ रहा है? यस सर, सर है साफ सफाई ये पूरा रूम का, सर भी। गुड इवनिंग सर, चलते हैं। तो वही शाम का 7:45 अभी हो चुका है और पीछे देख सकते हैं बिग बाइट है, तो वहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ। सफाई अभियान में थोड़ा लगा हुआ था।